हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है हेयर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि इस टाइम पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हो रहा है, यहाँ तक कि मेरे बाल भी झड़ने लगे इस मौसम में। क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, उमस वाला सीजन चल रहा है, इसमें पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और पसीनों के कारण ही आपके जो स्कैल्प में धूल और मिट्टी है वो आपके स्कैल्प में जम जाती है और जमने के साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों को वो कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो गाइज, मैंने पिछली वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो, वो डाली थी मैंने मेहंदी का हेयर पैक लगाया था, जो कि बहुत ही बेस्ट हेयर पैक है, ठीक है। और उसके बाद आज मैं हेयर वॉश कर रही हूँ अपना, तो आज मैं लगा रही हूँ अपने हेयर वॉश में कर्ड का हेयर पैक, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है गर्मियों में आपके बालों के लिए। तो गाइज, उससे पहले मैं अपने बालों में जहाँ जहाँ भी, जैसे आपको लगता है कि आपके हेयर में खुजली वगैरह ज़्यादा होने लगी है, फुंसी वुंसी कुछ भी लगता है, तो आपको मैं आज ऐसी हेयर रेमेडी बताऊंगी जिसे लगाने के बाद आपके स्कैल्प से खुजली एकदम गायब हो जाएगी, जो फुंसी वगैरह जो ईचिंग हो जाती है वो बिल्कुल जड़ों से गायब होने वाली है। तो वो है ये, आप देख सकते हो, ये है विटामिन ई के कैप्सूल, 2 से 3 मैंने अपने हेयर पैक जो बनाया है कर्ड का उसमें मिक्स किया, और 2 ये कैप्सूल आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो वो ये है। अब इनको डायरेक्ट मैं अपने स्कैल्प पर लगाऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता से उसको पूरे स्कैल्प में मसाज करूंगी, क्योंकि इसे लगाने से फ़ायदा क्या मिलेगा, इसे लगाने से ये होगा कि जो आपके स्कैल्प में खुजली वगैरह ईचिंग की प्रॉब्लम है वो जड़ों से ख़त्म होने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं, वीडियो को बढ़ते हैं आगे और आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं अपने स्कैल्प में कैप्सूल कैसे लगा रही हूँ, उसके बाद में जो हेयर पैक लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर लगा रही हूँ मैं विटामिन ए के कैप्सूल, और विटामिन ए के कैप्सूल आपके हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनमें जो लिक्विड होता है वो आपके स्कैल्प से ईचिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है ना, उसको बिल्कुल जड़ों से ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर इनको गर्मियों में लगाती हूँ, क्योंकि पसीने आने से आपके हेयर्स में जो ईचिंग की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी जो ईचिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ों से दूर हो जाएगी और आपके हेयर एकदम स्वस्थ और शाइनिंग हो जाएंगे। जो मैंने बनाकर तैयार किया है, इसमें ऑयल है, विटामिन ई के कैप्सूल है और दही है आपकी घर की, ठीक है। थोड़ी लिक्विड सी हो गई है ऑयल डालने के बाद, तो आपको इसकी भी अपने हेयर्स में इस तरीके से मसाज करनी है कि इसका जो बेनिफिट है वो आपके सीधा बालों की जड़ों तक जाए और आपके बालों को हेल्दी बनाए। तो दही के फायदे जो हैं वो आपके बालों में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, दही आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे लगाने से सबसे पहले तो आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे और उसी के साथ आपके बाल में बहुत अच्छी सी एक शाइनिंग जो है, एक चमक जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और उसी के साथ जो हमने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, उससे जो आपका हेयर फॉल हो रहा है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने बालों में ऐसे पूरी लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, मैंने कर्ड का हेयर पैक अपने हेयर्स पर लगा लिया, आप देख सकते हो, और अब मैं इसको लगभग आधा घंटे यानी कि 30 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद करूंगी हेयर वॉश। और अब मैं आपसे मिलती हूँ हेयर वॉश करने के बाद, कुछ आपसे हेयर टिप्स वगैरह शेयर करनी है, वो आपको बताऊंगी कि इस वाले सीजन में क्या आप होममेड रेमेडी यूज कर या फॉलो कर अच्छे बाल पा सकते हो। मेरी तरह जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो चाहती है कि उनके बाल हो, उनके बाल मेरी तरह हो, बिल्कुल ब्यूटीफुल। और आपको अगर लंबे बाल चाहिए तो आपको केयर तो बनती है बालों की, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसे बाल हो। तो चलिए गाइज, अब मैं सीधा आपसे मिलूंगी हेयर वॉश करने के बाद, और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज, मैं अपना हेयर वॉश करने के बाद आ गई हूँ छत पर, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। तो आप देख सकते हो, थोड़े पीछे हो गए, पूरे दिखा दो। तो गाइज, आप देख सकते हो, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी था
इस टाइम पे ये जो टाइम है थोड़ी उमस वाली गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से आपके स्कैल्प वगैरह में जो पसीना आ जाता है ना उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होने लगता है। मेरा भी हो रहा था, बट ये है कि मैं अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर लेती हूँ बस कुछ हेयर रेमेडीज या होम रेमेडीज ट्राई करके, तो वो ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इस वाली वीडियो में मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने सबसे पहले विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो अपने स्कैल्प में लगाए थे, उसके बाद जो मैंने कर्ड का हेयर पैक बनाया था वो लगाया था, और उसको आधा घंटा रखने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था। जिस भी शैम्पू से आप करते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो मेरे बालों की चमक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरे बाल, बस ये है कि कोई नज़र मत लगे क्योंकि मेरे बालों में नज़र बहुत जल्दी लग जा रहा है, ठीक है। तो गाइस चलिए इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कुछ हेयर रेमेडीज़ या कुछ हेयर टिप्स जिनको आप फॉलो करने के बाद आप भी पा सकते हैं मेरे जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल से बाल, भारी एकदम मजबूत जड़ों से। तो चलिए गाइस सबसे पहले टिप्स ये है कि आपको इन गर्मियों में अपने हेयर्स कम से कम वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करना है, ज़्यादा ना हो सके तो 3 बार तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 दिन का गैप ले लेके करोगे तो उससे आपके स्कैल्प में जो गंदगी है वो ज़्यादा दिनों तक जम नहीं पाएगी और जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। आपकी जड़ें इतनी मजबूत रहेंगी तो आपके बाल भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, उनको जड़ों से मजबूती मिलेगी। सेकंड है, आप जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं वो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत सारी हेयर टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर की हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी हेयर रेमेडीज़ हैं, होममेड हैं बिल्कुल, आपको बाहर से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें लगाने के बाद आपके बाल जो है वो हेयर फॉल जो है बहुत ही अच्छा जल्दी समय से कंट्रोल हो सकता है। उसी के साथ मैं अभी शेयर करूँगी आपको जैसे कि आप गर्मियों की जो हेयर रेमेडीज है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा जो है वो यूज़ कर सकते हो। आप एलोवेरा मिक्सी में ग्राइंड करके सीधा अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हेयर वॉश करने से एलोवेरा की मसाज अच्छे तरीके से अपने हेयर्स में कर सकते हो, उससे आपके बालों को फ़ायदा ये मिलेगा, आपके बाल सिल्की शाइनी सॉफ्ट होने के साथ साथ आपके बालों में मजबूती भी आएगी। और सेकंड है, आपको लेनी है कोकोनट ऑयल लेना है आपको 2 से 3 चम्मच, उसमें आपको कलौंजी आती है ब्लैक कलर की वो लेनी हो, साथ ही मेथी दाना लेना है, उन सबको हल्का सा हीट करने के बाद ठंडा करके सीधा अपने हेयर्स में अप्लाई करना है और उसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद हेयर वॉश कर देना। ये है कलौंजी जो होती है वो आपके बालों में मजबूती का काम करती है, प्लस आपके बालों में बहुत अच्छा हेयर कलर भी आएगा, उससे जो आपके वाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है उससे दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। और साथ ही साथ मेथी दाना है वो तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये है कि आपको मेथी लगाने से आपके हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट होंगे, साथ ही साथ जो आपके अंदर से बालों की जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं हेयर्स में आपको मेथी लगाने से वो बहुत ज़्यादा ईजिली आपकी जो हेयर्स की जड़ें वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, आपके बाल झड़ना बहुत ही जल्दी कम होने लगेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी हेयर टिप्स यूज़ करोगे तो आपके बहुत जल्दी आपके हेयर ग्रोथ जो है बूस्ट हो जाएगी या बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जी नहीं, आपको धीरे धीरे फर्क देखने को मिलेगा। आप 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में अगर आप ट्राई कर रहे हो, 1 से 1.5 महीने तक लगातार उस हेयर रेमेडी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। 1-2 बार लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि हमने ये वाली ट्राई की थी हमको कुछ असर नहीं हुआ या हमको कुछ फ़ायदा नहीं दिखने को मिला। तो गाइस 1-2 बार ट्राई करने से किसी भी चीज़ का फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर रेगुलर उस वाली हेयर रेमेडी को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके हेयर्स में बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तो थर्ड है, आपको लेना है एलोवेरा जेल प्लस उसमें मिक्स करने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, और साथ ही साथ जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो वो उन तीनों को मिक्स करने के बाद आपको उसमें 1 से 1.5 चम्मच मिलाना है अदरक का जूस। आप कद्दूकस करके अदरक को अच्छी तरह से जूस निकाल सकते हो, वो आपको ये हेयर रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपके हेयर्स में। अदरक जो होती है वो आपके बालों को बहुत जल्दी जैसे जगह जगह से आपके बालों में मतलब बाल कहीं कहीं से उड़ से जाते हैं, आपके बालों को न्यू बेबी हेयर उगाने में जो वो अदरक का जूस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और उसी के साथ जो एलोवेरा है वो बालों को मजबूती देगा, ठीक है। तो आपको ये सारी हेयर रेमेडीज जो है काम तो एक ही करेंगी, बट ये हर किसी के जो भी हेयर रेमेडी उसका अलग अलग वर्क होता है, कोई हेयर ग्रोथ के लिए होती है, कोई हेयर में शाइनिंग देने के लिए कोई होती है, कोई हेयर्स को जड़ों से मजबूत करने के लिए होती है, कोई आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए होती है,
तो आप जो अलग अलग हेयर रेमेडी मैं आपको बताती हूँ आपको वो ही उसी तरीके से फॉलो करनी है, वरना आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस जल्दी जल्दी जाइए, जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर जल्दी से कर लीजिए। अभी रिसेंटली में मेरा एक पॉडकास्ट हुआ यानी कि इंटरव्यू हुआ, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। जब वीडियो आ जाएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसका लिंक डाल दूँगी, जल्दी से जाकर देखिएगा, आपको उसमें पता चलेगा कि मैंने कब से लेकर कब तक बाल बढ़ाना शुरू किए थे और कितने सालों में या महीनों में इतने लंबे बालों का सफ़र मैं तय कर पाई हूँ। बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी मेरे बारे में। तो जल्दी जल्दी जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी नेहा नागर 299 है और मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगी, तो आप जाकर फॉलो कर लेना और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी न्यू हेयर रेमेडीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।